Hello children, today we are going to do one activity. The lesson number is 29, Young Scientist 2. For this activity, you need the cardboard sheets, pencils, crayons, scissors, ruler, etc., a punch, a tool for making holes in paper. Okay, here many choices are given, whichever you feel very easy you can do. First one is a mouse in the house, second one you can see here, a candle, here burning upper part, face of the girl, and this dot Bindi, this flower pot and flower, bird in the cage. Today I am going to do this one, candle and the burning upper part. कार्डबोर्ड शीट लेना है ऐसे 10 सेंटीमीटर लेंथ और 7 सेंटीमीटर ब्रेथ, 5 सेंटीमीटर के यहाँ पर होल बनाना है, इधर एक और इधर एक, ओके, एग्जैक्टली ऑपोजिट टू ईच अदर. फिर आपको क्या करना है, एक ऐसे सुंदर कैंडल ड्रॉ करके कलर करो. बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, यहाँ पर प्रॉपरली यहाँ पर इसके बैक में सेंटर में जलता हुआ दिखाना है लैम्प, ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है. बराबर यहाँ से ऐसे पीछे लेके जाओ और यहाँ पर जलता हुआ चीज़ दिखाओ. दो थ्रेड लेना है 19 सेंटीमीटर के और इसमें होल्स में डाल के इसको नॉट कर दो. उसके बाद आपको बॉर्डर चाहिए तो बॉर्डर भी कर दो, बॉर्डरिंग करो सुंदर दिखेगा. फिर ऐसे दोनों हाथों में पकड़ो और इसको ट्विस्ट करो, कितना हो सकता है उतना ट्विस्ट करो. ट्विस्ट करने के बाद बहुत देर के बाद ऐसे आपको स्ट्रेच करना है, ट्विस्ट करो ऐसे अच्छे से बहुत देर तक, फिर बाद में ऐसे स्ट्रेच करो. तो क्या होगा, ऐसे मालूम होगा कि ये जो कैंडल है और ये जलता हुआ पार्ट है दोनों साथ में दिखाई देंगे. इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है, जो भी हम देखते हैं उस चित्र को, उस प्रतिमा को हमारे आँखों में कुछ सेकंड तक रहता है. थैंक यू.